जहानाबाद के अत्री क्षेत्र में लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। हम सब लोगों से मिलते हैं, जीविका दीदियों से बात होती है, कितना काम करती है, कितना अच्छा बोलती है। आप देख रहे हैं 1,31,00,000, अब उससे भी ज्यादा, तो कितना अच्छा भाषा बोलती है याद करिए। और कौन नहीं है, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित महादलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई हो, सब रहते। तो कितना काम हुआ और कौन कराया है, पहले कोई काम कराया? लेकिन हम तो दो बार गलती किए थे, हमारा तो भाजपा के साथ 1995 का रिश्ता, लेकिन बीच में हम एक बार इन लोगों से कर लिए, गड़बड़ किया तो छोड़ दिए, और फिर आए तो एक बार इधर फिर हम किए, और फिर गड़बड़ किया तो हमने छोड़ दिया, और तय कर दिया हमने कि कभी भी हम इधर उधर नहीं जाएंगे, भाजपा के साथ रहे हैं, वही हम लोग साथ रहेंगे, हम मिलजुल करके काम कर रहे हैं। तो एक एक तरह से सोच लीजिए, अब सब तरह से आई लोग कोई काम नहीं, तो जब हम ही लोग साथ रखे हुए थे तभी लोग क्या करता है, आजकल कहता हम लोग नौकरी देते हैं, क्या नौकरी दिया था? बोला हम लोग तो कितना लोगों को नौकरी दे दिए, जो हम बता दिए भी 5 से 20 तक 8,00,000 लोगों का, और हम लोग तो दे दिया जितना हमने आपको बता दिया। तो सब तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, हम महिलाओं का कितना किया, अब पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में जो आपको हमने बताया सब एक एक काम किया, 4 काम हो गया, और वो सभी क्या काम करते थे, कुछ नहीं। और फिर 2007 से प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में 50% आरक्षण दिया, और उसके बाद आप जानते हैं पुलिस में भी महिलाओं को हमने 35% कर दिया। अब बिहार में पुलिस में जितनी महिलाएं हैं उतना देश के दूसरे राज्यों में भी नहीं है, 30,000 से भी ज्यादा, और बाकी सब जगह सरकारी नौकरियों में 35,000 रुपए का हम लोगों ने करा दिया। तो हर तरह से एक एक तरह से काम किया, पूरे तौर पर काम किया, और जाति आधारित गणना भी हम कराए हैं, लोग कुछ से कुछ बोलते रहता है, हम लोग तो 1990 से डिमांड था, हम लोग जाति आधारित, तो हम तो यहाँ पर किए, हमारे जो पहले विजय कुमार चौधरी जी है, अब उनको तो मालूम है कि कैसे जाके मीटिंग करते थे, तब मीटिंग कर कर के हम लोगों ने कितना किया, बाकी सब पटिया के लोगों को मीटिंग बुला करके हमने किया, और हमने कर दिया, और कितना जाति आधारित गणना हम लोगों ने करा दिया, और उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा की संख्या बढ़ी तो 50% से बढ़ा के हम 65% कर दिए, और उसके अलावे जो 10% सामान्य वर्ग का वो है तो दोनों मिला के 75%। अब ये सब काम हम लोगों ने किया, और इसके साथ जाति आधारित गणना तो हम कराए, लेकिन हमने कहा कि समाज के हर तबके का हम लोग देखेंगे गणना, जाति आधारित गणना कराएंगे तो उनकी आर्थिक स्थिति को हम लोग देखेंगे, तो उसमें अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सब उसमें शामिल है। तो हम लोगों ने जो अध्ययन किया तो पता चला कि 94,00,000 गरीब परिवार, अब आप सोच लीजिए।